नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग देखेंगे, एक अपडेट आया है, 2 घंटा पहले का अपडेट आया है। ये आया है इंडियन एक्सप्रेस की ओर से, ये अपडेट आया है। ये अपडेट में क्या कहा गया है, देखिए हेडलाइन को आप पढ़िए। 2-4 आवर्स सेशंस, यानी जो आपका एग्जाम होगा 2-4 आवर्स सेशन में होगा। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, जो CET में सवाल आएंगे, वो NCERT से सवाल आएंगे। जो कि देखिए, आगे देखिए, NCERT सिलेबस रहेगा, 13 लैंग्वेज में पेपर होगा। आप सब कुछ जानते हो, UGC के जो चेयरमैन हैं इनके द्वारा पूरी तरीके से CET को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जो भी अपडेट इसमें मिलेगा, ये है कौन सा न्यूज़पेपर है, देखिए कितना देर पहले, 2 घंटा पहले ये अपडेट आई है। 2 घंटा पहले अपडेट आई है, नीचे लिखा हुआ होगा टाइम, 2 घंटा पहले ये अपडेट आई है। तो आप लोग को मैं एक जो है संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि जितना भी अभी अपडेट आपके सामने आएगा उसका निष्कर्ष यही निकल लेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होगी। तो उससे पहले मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। आप सबसे पहले ये जानिए कि आपको सब कुछ पता है जो यहाँ पे हम बताएंगे, सब कुछ पता है। क्योंकि जब UGC चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ था तो उनसे जो सवाल पूछा गया था, सब कुछ वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं। तो आपको करना क्या है, तो आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका मानना है कि NCERT भेज सवाल आएगा, यानी कि खासकर 11th 12th से सवाल आएंगे, NCERT से सवाल आएंगे, इनका मानना है, UGC चेयरमैन का। लेकिन इंट्रेंस एग्जाम जो है, आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम का पेपर उठा लोगे, कहा तो जाता है कि NCERT से आता है, और आता भी NCERT से ही, लेकिन वो कंपटीशन पॉइंट व्यू बन जाता है, एग्जाम का जो लेवल होता है कंपटीटिव एग्जाम बन जाता है। तो इंट्रेंस एग्जाम भी एक कंपटीटिव एग्जाम ही है। तो NCERT बेस्ड सवाल आएगा, यानी आप ये समझ गए हो कि NCERT बुक से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इनसे एक और सवाल पूछा गया था UGC चेयरमैन जी से कि क्या सर CET के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों को, तो इनका मानना है कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है इनका मानना है कि स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि इस पर तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अगर कोचिंग की आवश्यकता है तो कोचिंग BHU कॉन्सेप्ट भी है, BHU कॉन्सेप्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी से CET को क्रैक कर सकते हो, जो कि बिल्कुल आसान है। मैं हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे बिल्कुल आसान है, सेल्फ स्टडी से भी CET क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बसलते आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, इनमें जो CET का जो पैटर्न बताया गया है, पैटर्न वही है। सेक्शन 1 आप सभी को पता है, 13 लैंग्वेज आएगा, 13 में से कोई एक करना है, वही है। और सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक होगा, 27 में से आपको मिनिमम 2 चुनना है मिनिमम, और मैक्सिमम 6। सेक्शन 3 जो है डोमेन स्पेसिफिक है, जिसमें मैथ रीजन स्टडीज के करेंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो ये जो है शिफ्ट 1 में होगा, शिफ्ट 2 में जो होगा 2 से ज़्यादा पेपर लोगे डोमेन को, शिफ्ट 2 में होगा। सेक्शन 2 का जो दूसरा पार्ट है लैंग्वेज वाला, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से करना चाहोगे तो वो आपको करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शनल है। बाकी इतना ही जानिए, और आप देखिए डरिए नहीं, आप लोग परेशान हो गए हो कि CET लगातार दिन रात CET, आप लोग पैनिक होने वाला वीडियो देख के लगातार परेशान रहते हो। परेशान होने की बात है जी, स्माइल कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए कि आप जो है आप CET आपके सेशन से स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये पहली बार है तो हो सकता है कि चीज़ें सामने आने में विलंब हो रही है, लेकिन जैसे ही आएगा ना सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और मैं फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे वही सब आएगा। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी फोकस हम कैसे बनाए रखें, क्योंकि आप वीडियो देख के इरिटेट हो गए। हमने निष्कर्ष बता दिए हैं कि इसका, इस नोटिफिकेशन का निष्कर्ष क्या है, क्योंकि लंबा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर हम बता देंगे कि आपको कहाँ ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे ही आएँ तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप CU ET की प्रिपरेशन कर रहे हो, CU ET की प्रिपरेशन कर रहे हो 2022 के लिए,
तो यूजीसी चेयरमैन का मानना है कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो आप बीएचयू कॉन्सेप्ट में जुड़ सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट ई लर्निंग, कॉन्सेप्ट ई लर्निंग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो मोबाइल नंबर है मैं लिख देता हूँ, 7 50 55 199, इस नंबर पर कॉल करके हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए सीयूईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, आप लैंग्वेज में एक विषय को पढ़िए। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़िए, बीएचयू कॉन्सेप्ट में हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, उर्दू जो भी आपका है, संस्कृत, उसको 13 लैंग्वेज में से कोई एक को पढ़िए, कोई एक को पढ़िए। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई एक लैंग्वेज को जरूर पढ़िए, एक लैंग्वेज को पढ़िए जो भी आपको पढ़ना है। सिर्फ हिंदी पढ़िए या सिर्फ इंग्लिश पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है, बस ये ध्यान रखिए। आज जो सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक वाला बात कर रहे हैं उसमें मिनिमम 2 चुनना है, तो आप 2 से 4 को पढ़िए ना जी। अगर आप बीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इको पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, ये 4 पढ़िए। और ये आपको पता है कि यही सब पहले भी आता था, और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। लीगल की तैयारी कर रहे हैं मतलब एलएलबी की, लीगल पढ़ो, पढ़ो पॉलिटी पढ़ो, ये सब पढ़ो, ठीक है। अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, बीकॉम की तैयारी कर रहे हो तो अकाउंट पढ़ो, जो भी आपसे संबंधित है डोमेन स्पेसिफिक वाला वो पढ़ो, बस उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना है। और सेक्शन बी जो है, सेक्शन सी सॉरी, इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, इसमें रीजनिंग का सवाल रहेगा, स्ट्रेटेजी के रहेगा, मैथ्स से सवाल रहेंगे और करेंट अफेयर से सवाल रहेंगे। यही सब तो हम पहले भी पढ़ते थे, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान मत होइए, जो स्ट्रीम चेन को लेकर आप लोग परेशान हैं उस परेशानी से बचिए। और आ रहे हैं आज दोपहर 2 बजे लाइव आ रहे हैं, आपके मन में जितना भी सवाल है सीयूईटी को लेकर आइए, वहाँ पे सवाल को जवाब देते हैं और आप मोटिवेट होकर पढ़िए। आज दोपहर 2 बजे हम लाइव आ रहे हैं, आप हमारे कोर्स में जुड़ भी सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हो, एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि हम शुरू से ही इस बार एनसीईआरटी ही लेकर चल रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये अनुमान लग गया था कि इस बार यही होने वाला है। इसीलिए जो यहाँ जुड़े हो, जो यहाँ से जा रहा है, उसको मन से पढ़ो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।